क्या बहस कर रहा था मुझसे? तो बहस कर रहा था इसको, उन्होंने ये है कि उसको मार दोगे। हाँ जी, रेडी हैं आप लोग? शायद ये रेडी नहीं है। ये रेडी है? रेडी हूँ। ये भी रेडी है? तो करें फिर, चलो। अंकल, हाँ भाई, ये कब्रिस्तान कहाँ पड़ेगा? इस साइड में जाना है तेरे को, कब्रिस्तान जाना है। कब्रिस्तान? ये तो गलत आ गया भाई तू। गलत हूँ? हाँ। तो मतलब किधर जाना होगा आप बता दो तो। आप यहाँ से सीधा जाओगे ना? हाँ। सीधे जाके राइट टर्न लोगे, ठीक है। राइट के बाद थोड़ा आगे जाके यू टर्न आएगा, तो वहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा उस साइड। मुझे थोड़ा समय में मैंने थोड़ा नया हूँ यहाँ पे, अगर आप मेरी हेल्प कर देते आपको भी कहीं उतार दूंगा जहाँ आपको जाना हो। हाँ जी, मेरे को भी इस साइड में जाना, तो आ जाइए। आपको तो आप उतार देंगे? जी जी जी। कब्रिस्तान किस लिए जा रहे हैं? कब्रिस्तान एक काम था मुझे थोड़ा। अच्छा, ये इस टाइम कब्रिस्तान नहीं, ये पीछे डेड बॉडी है ना। है? पीछे जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी रखी है ना, ये दफनाना है इनको। हाँ, पीछे रखी है आपके, ये पीछे देखिए ना, अगर आप देखते भी रहिए थोड़ा, मुझे डर लगता है ना डेड बॉडी से। ये तो लड़ाई हो गई थी इसकी। है? लड़ाई हो गई थी इसकी और मेरी, तो मैं इसको समझा रहा हूँ, ये मेरे से पैसे मांग रहा है। हाँ। मैं इसको समझा रहा हूँ कि भाई मैं तेरे पैसे दे दूंगा। हाँ। आने वाले टाइम में। हाँ। तो इसने मेरे पे हाथ छोड़ दिया। बस मैंने भी इसको ऊपर पहुँचा दिया। आपने कर दिया? कर दिया मैंने। बेटा ये तो आपने गलत किया। है? गलत किया ये आपने। गलत क्यों और क्या, बहुत गलत बात है। अब ये बताओ तुम क्या करोगे? इसका दफना दूंगा ना कब्रिस्तान में। दफना ऐसे कैसे दफना दोगे? ऐसे कैसे, मतलब जैसे दफनाते हैं कब्रिस्तान। अरे आपने कितना गलत काम किया। अब वो क्या बहस कर रहा था मुझसे? तो बहस कर रहा था इसको, उन्होंने ये है कि उसको मार दोगे। अब मार दिया, अब तो आप थोड़ा साथ भी दे दीजिएगा। आप आए हैं तो डेड बॉडी उठवा के रखवा भी दीजिएगा वहाँ। नहीं नहीं, आप मेरे को यहाँ उतार दो प्लीज। हा? मैं नहीं, आप मेरे को यहाँ उतार दो। आप नहीं जाएंगे साथ? नहीं नहीं नहीं, मेरे को यहाँ उतार दीजिए, मेरे का काम है, मैं लेट हो रहा हूँ पहले प्लीज। हाँ जी। ये कब्रिस्तान कहाँ पड़ेगा, या फिर यहाँ आसपास कहीं गीली मिट्टी हो? थोड़ा आ गई है सर, तकरीबन ये 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पे। इसी रोड पे सीधा? हाँ, इसी रोड पे सीधा ही है सर, 500 मीटर के डिस्टेंस पे। तो आप भी बारिश में भीग रहे हैं, आइए ना, छोड़ देता हूँ आपको भी कहीं रास्ते में। ठीक है सर। हेलो। हाँ हाँ, पीछे ही पड़ी है डेड बॉडी। अरे मार दिया मैंने भाई, मार दिया। मुझसे बहस कर रहा था, क्या करता यार, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। मैंने इसको मना किया था कि मुझसे बहस मत किया कर, ये मानता नहीं है ना यार मेरी बात भी। मैंने मार दिया भाई इसको, पीछे ही है इसकी डेड बॉडी अभी। ये कब्रिस्तान, ये जगह कौन सी है भाई साहब? सर कब्रिस्तान नहीं, जगह कब्रिस्तान तो है, जगह कौन सी है? जगह है सर ये नोएडा। ये नोएडा के कब्रिस्तान में आया हूँ। हाँ हाँ, पता नहीं चलेगा, और मेरे साथ भाई हैं, वो मदद करवा देंगे यार। ठीक है, ओके।
यार देखिए वो डेड बॉडी हिल तो नहीं रही ना। हिल रही है। अरे मार दिया है मैंने यार अपने हाथों से, मारा है, कैसे हिल जाएगी। सर मेरा आने वाला घर मुझे ही ड्रॉप कर दीजिए। बस आप मेरी बस ये मदद कर दीजिएगा कि जब मैं डेड बॉडी उतरवा के कब्रिस्तान में मिट्टी में दफना दीजिएगा, फिर आप चले जाइएगा, इतनी मदद कर दीजिए। देख सर मुझे आप उतार दीजिए, मैं बाद में आ जाऊँगा। बाद में आ जाएंगे आप? हाँ जी, मुझे उतार दीजिए प्लीज़। चुकी मेरा घर नज़दीक है, मैं आ जाऊँगा बाद में, थोड़ी देर में 10 मिनट में आ जाऊँगा। अभी यही वेट कीजिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। पक्का? पक्का करूँ सर। तो यहाँ कितनी देर वेट करूँ? सर 10 मिनट पक्का आ जाएंगे ना, क्योंकि मैं अकेले नहीं उठा पाऊंगा। सर एक्चुअली मुझे प्यास लग रही थी तो मैं पानी पी के 10 मिनट में आता हूँ। पक्का? पक्का सर, पक्का आएंगे ना? पक्का आएंगे सर, पक्का। देख लीजिए फिर वो वही बेईमानी वाली बात हो जाएगी, इसने बेईमानी करी थी मेरे साथ। नहीं नहीं सर, मैं पक्का आ जाऊंगा, मैं बेईमान आदमी नहीं, ईमानदार आदमी हूं सर। ईमानदार हूं? ईमानदार हूं, पक्का आ जाऊंगा। देख लो यार। नहीं नहीं सर, पक्का आ जाऊंगा। बस 2 मिनट लगेंगे। नहीं बस सर, पानी पी के 5 मिनट में आया सर। ठीक है ठीक है। ये दफनानी है वो देखना भैया, हिल विल तो नहीं रही ना बॉडी, स्मेल आ रही हो कहीं। अगर आप देख लेते तो सही रहता। मुझे तो बहुत डर लगता है यार इन सब चीजों से, आप थोड़ा साथ दे देते मेरा। किस चीज में? मुझे नहीं दफनाना है इनको। तो आप ऐसे कहीं आसपास ही रहते हैं लगता है ना? तो क्या बताऊँ, बस मुझे इतना डर लगता है ना आजकल चीज़ों से, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो स्मेल भी मार रही है बॉडी। चलो जी आ गए फिर से, देख ली पूरी वीडियो, मज़ा आ गया ना, सुकून पड़ गया। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, जो हमेशा से करते आ रहे हो वो तो करना ही है, शेयर करना है, लाइक करना है, कॉमेंट करना है। और इंस्टाग्राम पर कीड़े मकौड़े का ऑफिशियल चैनल है, उसको भी जाके फॉलो करो, वहाँ पे भी आपको एंटरटेनमेंट का डोज मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।